बातें हैं जो किसी भी देश की ताकत होती है। भले ही हम हमारे देश के कितने ही दूर क्यों न रहते हो, लेकिन हमारी छोटी मोटी व्यवहार भी उस देश का परिचय करवाते हैं। फिर कभी किसी को ये नहीं लगता है कि ये फलाना व्यक्ति कर रहा है, उसको यही लगता है कि देखो वो हिंदुस्तानी कर रहा है। और इसलिए हिंदुस्तान में रहने वाले नागरिक के लिए अपने आचरण के संबंध में लोगों का जितना ध्यान होता है उससे ज्यादा विदेश में होता है। और इतनी आंखें लगी हो, इतने कैमरा लगे हो, इतने लोग आपको हमेशा देखते रहते हो, उसके बावजूद भी भारत की उज्ज्वल छवि बनाए रखने के लिए आप लोगों ने कितनी जागरूकता बरती होगी, कितना परिश्रम किया होगा, ये काबिले दाद है। और इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूँ। आज की दुनिया को ये जमाना होगा जब अंतरराष्ट्रीय संबंधों में अनेक प्रकार की चीजें महत्व रखती होगी, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि शायद ट्रेड एंड कॉमर्स ये अंतरराष्ट्रीय संबंधों को लीड करता है। इकोनॉमीज को ड्राइव करती है, भारत की आर्थिक संपन्नता या भारत की आर्थिक गतिविधि या भारत की आर्थिक दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास एक मैग्नेटिक पावर बनकर के दुनिया को खींच सकता है। और इसलिए हमारा संपूर्ण ध्यान आर्थिक गतिविधि पर है। देश का ग्रोथ कैसे बढ़े, एग्रीकल्चर हो, मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विस सेक्टर। और ये मैं मानता हूं कि एक स्वस्थ इकोनॉमी के लिए 1/3 एग्रीकल्चर, 1/3 मैन्युफैक्चरिंग एंड 1/3 सर्विस सेक्टर, ये तीनों का साइमल्टेनियस बराबरी से अगर विकास होता है लेकिन अगर एक पिलर पे तंबू खड़ा कर दें तो पता नहीं क्या कब गिर जाएगा, थोड़ा सा हवा का झोंका जाए जाए तो कोशिश ये है कि तीनों सेक्टर में भारत प्रगति करे, विकास करे। सेक्टर में भी जॉब की संभावना है, वो भारत की अनिवार्य है। जॉब क्रिएशन वाले छोटे छोटे उद्योगों की जाल जितनी ज्यादा बिकती है बैठती है उतना उसको विकास। सर्विस सेक्टर में टूरिज्म एक बहुत बड़ा स्कोप है और इन दिनों दुनिया में किसी एक क्षेत्र का सबसे ज्यादा जो ग्रोथ है वह है टूरिज्म का। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि $3 ट्रिलियन का बिजनेस टूरिज्म के क्षेत्र में बना है, लेकिन भारत ने उसका फायदा बहुत कम उठाया है। हमारी कोशिश है कि टूरिज्म बढ़े और मैं हमेशा ये मानता हूं कि टूरिज्म डिवाइड्स, टूरिज्म यूनाइट्स। दुनिया को जानना, दुनिया से जुड़ना, ये भी आने वाले दिन में ग्लोबल सिटीजन का जो कंसेप्ट है
उसके लिए बहुत आवश्यक बन गया है। और भारत हमेशा ही वसुधैव कुटुंबकम की भावना वाला देश रहा है। अगर हम आर्थिक विकास की दिशा में आगे बढ़ते हैं, अधिकतम लोगों को रोजगार मिले उस दिशा में आगे बढ़ते हैं, हमारा ग्रोथ बहुत तेज गति से आगे जाता है, तो मुझे विश्वास है कि पूरे विश्व के लिए भारत एक ऐसा आकर्षण का केंद्र बनेगा कि जिसके लिए मैं कभी दुनिया को निमंत्रण देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप सहज रूप से हमारी विकास यात्रा आगे बढ़ेगी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम उस दिशा में बड़ी गंभीरता से काम कर रहे हैं। यहाँ पर रहने वाले समाज से मेरी एक अपेक्षा हमेशा रहती है, और मैं मानता हूँ बहुत कठिन नहीं, कभी कभी लोग मुझे, मैं पहले भी यहाँ आता था, लोग मुझे एक बात पूछते थे, मैं बहुत सालों से एक ही जवाब देता हूँ, आज भी मैं उस बात को कहना चाहता हूँ। कभी लोग मुझे कहते हैं हम क्या कर सकते हैं, तो मैं कहता हूँ मुझे ना आपको डॉलर चाहिए ना पाउंड चाहिए, मुझे उसका मोह नहीं है, लेकिन कम से कम हम ये तय करें, एक इंडियन एक तय करें कि मेरे अपने प्रयत्नों से कम 5 नॉन इंडियन फैमिलीज को मैं हर वर्ष हिंदुस्तान टूरिस्ट के नाते भेजूंगा। फिर हिंदुस्तान को टूरिज्म के लिए कोई और कुछ प्रचार प्रचार करने की जरूरत नहीं है। आप 3 मिलियन लोग यहाँ है, आप मुझे कल्पना कीजिए कि आप एक व्यक्ति 5 परिवार को नॉन इंडियंस उसको अगर टूरिस्ट के रूप में हिंदुस्तान भेजता है, तो हिंदुस्तान के टूरिज्म के लिए फिर कोई कोशिश करने की जरूरत, और आप कल्पना कर सकते हैं कितने लोगों को रोजगारी मिलेगी। जब टूरिज्म आता है तो ऑटो रिक्शा वाला कमाता है, टैक्सी वाला कमाता है, चाय वाला भी कमाता है। हमारा अगर उस दिशा में अगर प्रयास रहे तो देश की बहुत बड़ी सेवा होगी। इस स्वागत सम्मान के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।